लीवर किडनी की तरह लोगों के लंग फेलियर हो जाते हैं, उसमें भी लंग ट्रांसप्लांट सजेस्ट कर देते हैं। एक तो जो भस्त्रिका है, अभी मैं ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करता हूँ, फिर भुजंग आसन करूंगा, ये लंग को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। अब लंग ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया है तो क्या करें? सौ 200, 500, 1000 बार तक मैं कहता हूँ, शत सहस्त्र साधना, एक अभ्यास को 100 बार से लेकर 1000 बार तक करें, कम से कम प्राणायाम तो भस्त्रिका 1000-2000 बार से लेकर के 5000 बार तक, और कपाल भाति 5 से लेकर के 10000 बार तक करना चाहिए। अब लंग ट्रांसप्लांट से किसी को बचाना है तो क्या करें? तो लंग ट्रांसप्लांट से बचाने के लिए 10 उपाय बताता हूं। एक तो फेफड़े पर पतंजलि बाम लगाए, दिव्य धारा सोंगे रेडीमेड है, नहीं तो लहसुन प्याज हल्दी अदरक और यूकेलिप्टस की पत्ते पीस करके उसका लेप ऊपर से कपड़े की लपेट लगा करके और फिर प्राणायाम करें। खाने में खजूर कल्प करें और चने की रोटी खाएं। दिन भर 4-5 खजूर तो शुगर वाले भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और चने की रोटी 2 खजूर से ज्यादा एक बार ना खाएं, 2-2 करके सुबह 2 बार शाम 3 बार खजूर खा ली चबा चबा करके, भूख लगी तो चना अथवा चने का आटा पतंजलि से उपलब्ध होता है, जितने भी मोटे आटे हैं, चने का आटा, जौ का, रागी का, सिंगाड़े का, कुट्टू का, मकई का, ये मोटे आटे, लेकिन केवल पतंजलि स्टोर्स पर ही उपलब्ध है। भस्त्रिका ज्यादा करें, गोमुखासन ज्यादा करें, भस्त्रिका के साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, भस्त्रिका के साथ गोमुखासन, भुजंगासन, मकरासन करें, इससे फेफड़े बहुत मजबूत होंगे। खजूर कल्प करें, ये कल्प अस्थमा के रोगों में खजूर कल्प, कोलाइटिस के रोगों में चक्रकल्प, हार्ट बीपी आदि के रोगों में और ओबिसिटी में लोकीकल्प, ये कई प्रकार के आहार व्यवस्था के बारे में, मेडिकेटेड वाटर और मेडिकेटेड फूड, ये बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अस्थमा है तो दिव्य पेय का ही पानी पिए सुबह शाम, तो स्वास्थ्य पास के लिए। हार्ट की प्रॉब्लम है तो अर्जुन के साथ दालचीनी का ही पानी पिए। लीवर की प्रॉब्लम है तो सर्वकत का ही पानी पिए। कब्ज की प्रॉब्लम है तो कायकत का पानी पिए। किसी को बहुत ज्यादा पेट ऐसी अपचन रहता है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो जीरा धनिया सौंफ मेथी अजवाइन का पानी पिए। किसी को एसिडिटी है तो जीरा धनिया सौंफ मुलेठी और गुलाब का पानी पिए और लिवोग्रिट ले लें। संजय डांगी जो एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं मुंबई के, मुझसे कहने लगी जो वर्षों से मैं वो डाइजीन पता नहीं क्या क्या एलोपैथी की गोलियां वो खा रहा था, मैं एसिडिटी के लिए पूज्य आचार्य भाषण जी ने मुझे लिवोग्रिट जब से दी, मेरा तो वो डाइजीन आदि सब बंद हो गया, पाचन बहुत ही फर्स्ट क्लास हो गया लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो खैर ये मेडिकेटेड हम वाटर देते हैं अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह का, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होने पर धनिया का पानी पिलाते हैं, शुगर की प्रॉब्लम होने पर तो चिरायता, कुटकी, गिलोय आदि का पानी क्या पिलाते हैं उसको, तो जूस ही में कहता हूँ 3 बार पिला दो, खीरा करेला टमाटर उसी में, गिलोय, चिरायता, कुटकी, कालमेघ, सदाबहार और विजय सार आदि का पानी मिला दिया, आंवला, एलोवेरा आदि और मिला दिया, तो ये तो पूरा 10-11 चीजों का एक जूस हो जाता है, यही पिलाते हैं। तो भस्त्रिका का को केवल बैठ करके ना करें, भस्त्रिका ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के साथ करें। भस्त्रिका ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के साथ करें, भस्त्रिका कटिचक्रासन के साथ करें,
ऐसे ऐसे भस्त्रिका करें, ऐसे ही पीछे झुके अर्ध चक्रासन, आगे झुके पाद हस्तासन, ऐसे ही त्रिकोणासन कोणासन, ज्यादा नहीं झुक सके तो हाथ घुटने तक ही लाएं। तो ये लंग के लिए और हार्ट के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। अब लंग के लिए स्वासारी गोल्ड खाली पेट, कर्क्यूमिन गोल्ड खाने के बाद छोटे बच्चों को एक एक, बड़ों को दो दो। आजकल छोटे बच्चों को काफ, कॉल, अस्थमा, दमा, खांसी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत खतरनाक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है छोटे बच्चों को। ऐसे ये मैं बता रहा था आपको कि आप मकरासन, भुजंगासन ऐसे या ऐसे, जिनके शरीर में थोड़ी ताकत है वे खाली पेट स्वासारी गोल्ड। वैसे हम स्वासारी क्वाथ देते हैं, स्वासारी प्रवाही देते हैं, स्वासारी वटी देते हैं, स्वासारी पाउडर भी देते हैं शहद से खाने के लिए। इसमें सबसे हाई एफिकेसी किसी की आती है तो स्वासारी गोल्ड की आती है। स्वासारी गोल्ड, और किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी आदि होती हो तो ब्रोन कोम देते हैं। आराम आराम से अथवत्ती जी से कर ले। अब जब मैं लंबा करता हूं तो बीच में बोल नहीं पाता हूं, तो इसलिए अब थोड़ा मकरासन में बोल भी लूंगा। तो आप ऐसे अपने फेफड़े को स्ट्रेंथन करना, लंग ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली पेट स्वासारी गोल्ड या ब्रोन कोम खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी इलाज, संजीवनी वटी एक ही गोली खा लेना, और ये सब दिव्य पेय के साथ लेना या स्वासारी क्वाथ के पानी के साथ ले लेना। सामान्य पानी पीना ही नहीं, गर्म पानी पीना, और पानी में दिव्य पेय मिला के रख लो ना, जिसको जैसे सुहाता हो बहाता हो गुनगुना पानी पी लो, थोड़ा गर्म पी लो। अथवा और वैसे भी जिनको कफ कोल्ड रहता है उनको तो सामान्य पानी कफ कोल्ड करता है।